रहते हैं गहरी नींद में, दुनिया नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, सिर्फ आत्मा है। एक गहरी नींद में आपका अवस्था क्या होती है उसका याद कीजिए। वहाँ सिर्फ चैतन्य है और चैतन्य ही परमात्मा है। वहाँ अंदर बाहर का अनुभव नहीं है, अनंतता है। उस याद को, उसका याद कीजिए, परमात्मा का याद कीजिए। गहरी नींद में आपका अवस्था क्या होती है उस शांतता का याद कीजिए। जब वो शांतता की याद करते हैं तो शरीर और मन में आनंद फैलता है, शांतता फैलती है। ये परमात्मा का याद करने से मन शांत होता है। वो प्रशांत स्थिति परमात्मा का अनुभव है जो आप गहरी नींद में करते हैं, उसको याद कीजिए। ध्यान में हमें बार बार वो अवस्था को जाना है जो हम गहरी नींद में अनुभव करते हैं, शांतता का, अनंतता का। अब धीरे धीरे अपना मन श्वास पर दीजिए। श्वास अंदर जाता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है। वो शांतता से एक लहर जैसे आती है। परमात्मा शांति का समुद्र है, परमात्मा आनंद का समुद्र है। उसमें एक लहर आती है और फिर लहर समुद्र जाती है। इसी तरह श्वास और शांतता से एक लहर आती है और फिर समुद्र में जाती है शांतता का। इस तरह शांतता का महसूस करते हुए आप श्वास पे गमन रखिए। श्वास एक लहर जैसा आता है, फिर शांतता का समुद्र पाता है। सिर्फ आत्मा ही रहता है, परमात्मा ही रहता है और कुछ नहीं। ये ब्राह्मी भाव से ध्यान में बैठना है। लहर आने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा शांति स्वरूप है। हमारे नींद में, गहरी नींद में जो अनुभव हो रहा है वो परमात्मा का अनुभव है, उसको याद कीजिए। श्वास निश्वास उसमें एक छोटा लहर जैसा है। लहर आता है समुद्र में, फिर मिल जाता है। इस तरह शांति में मिल जाती है। मेरा स्वभाव है शांति, मैं परमात्मा से एक हूँ, इस भावना से बैठिए।
आप विश्वास का और अनुलोकन करना छोड़ दीजिए और शांत तरीके से बैठिए। जब गहरी नींद में आप जो रहते हैं उसका याद करके, वो अनुभव का याद करके, और शुद्ध चैतन्य का अनुभव याद करके उसी स्थिति में बैठिए। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। लोकाः समस्ताः सुखिनो भव।